हाँ दोस्तों, मून्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूली का पराठा। बहुत सिंपल स्टाइल में बनाएंगे। तेल का प्रयोग हम कम करेंगे और सब चीज़ को कच्ची डाल के आटे में गून के बनाएंगे। चलिए, मूली के पराठे में हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिएगा वो हम आपको बताते हैं। पहले मूली लगेगा। एक मूली को हमने धो के छील के रख लिया है, अब इसको पीसेंगे। फिर बारीक हमने प्याज काट लिया है एक छोटा सा, हरी धनिया हमने बारीक काटा है, एक चीज हमने हींग लिया है, आधी चम्मच हमने जीरा लिया है, एक चम्मच हम लिए हैं धनिया पाउडर और थोड़ी सी हरी मिर्च को हमने काट लिया है, और एक कप हमने लिया है, एक कटोरी हमने आटा लिया है। अब हम इसको करके बताते हैं। ऐसा चाट मसाला केवल टेस्ट के लिए हम डालेंगे इसमें आधी चम्मच। तो हम अच्छे से किस लेंगे और किस के आटे में मान के बनाएंगे। पहले आटे को डालेंगे, एक कटोरी आटा है जो इस कटोरी से। फिर हम डालेंगे प्याज, हरी धनिया है, प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्च ये है बारीक कटी हुई, आधी चम्मच, चौथाई चम्मच है, एक पिंच हींग है। हींग से क्या होता है कि पचने में आसानी रहता है, और थोड़ा सा है धनिया पाउडर ये। और टेस्ट के लिए नमक डालेंगे, आधी चम्मच ही डालेंगे नमक। अभी मिला लेंगे, फिर हम डालेंगे नारी, ये जो किस के रखे हैं हम मूली। पहले हम पानी नहीं डालेंगे, पहले हम इसी से, मूली में पानी बहुत रहता है तो इसी से आटे को गुनेंगे, और ज़रूरत पड़ने पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मसल लेंगे। क्योंकि मूली में भी पानी होता है तो आटा हमारा गुन गया। देखिए, सॉफ्ट आटा हम गूंद के तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम बनाएंगे पराठे। तैयार आटा हमारा, थोड़ी देर के लिए हम इसको रेस्ट होने रखेंगे ताकि आटा फूल जाए। ढक के हम इसको ऐसे रख देंगे। हम चढ़ा दिए गर्म होने के लिए। तवा गर्म होते रहेगा उतने में हम पराठे को बेल के और तैयार रखते हैं। तब तक हमारा तवा भी गर्म हो जाएगा। तेल लगा लेंगे हाथ में ताकि हमारा पराठा बहुत अच्छा बने। थोड़ा सा तेल ज़रूरत हो तो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकती हैं। तेल मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ, लेकिन क्योंकि पराठा मुलायम और नरम बने। बड़ी बड़ी हम लोई तोड़ लेंगे इसकी। ये पराठा ज़्यादा पतला नहीं बनाना, क्योंकि हम सब चीज़ कच्चा डाल रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा मोटा बनाएंगे। इसको मोटा ही बेलते हैं, खूब पतला नहीं बेलेंगे हम पराठे को, और रोटी जैसे गोल गोल ही हम बेलेंगे, इसको त्रिकोणा नहीं बेलेंगे। बिल गया है, अब धीरे से उठा के इसको में, तवा हमारा अच्छा गर्म हो गया है। इसको हम तेल से ही बनाएंगे, घी से नहीं बनाएंगे। अब देखिए, ये तेल हम पहले से ही गर्म करके रख लिए थे कढ़ाई में थोड़ा सा, क्योंकि कच्चे तेल में इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा तेल डाल के और अच्छे से सेकेंगे। हम दबा दबा के सेकेंगे ऐसे, इसको पलट देंगे। धीमे आँच में इसको अच्छा सेकना है पराठा। देखिए, इतनी अच्छी, बहुत अच्छा, एकदम ब्राउन ब्राउन हो गया, चकत्ते पड़ गए हैं। अब हमारा पराठा बनके तैयार हो गया। खरा खरा हमारा पराठा बनके तैयार हो गया। अब हम इसको बटर इस पेपर पे निकाल लेंगे, पेपर नैपकिन पे, ये देखिए इस पे, और ऐसे ही हम सेकेंगे खरा खरा। सेकते जाएंगे कुरकुरे पराठे लगातार, हम इसको ऐसे दबा दबा के, ताकि प्याज भी हमारा पक जाए और जो भी हम कच्चा डाले हैं सामान वो सब पक जाए। आप एकदम कुरकुरे खाने हैं तो आप धीमी आंच में सेकते जाइए, और बहुत अच्छा पराठा बन के तैयार हो जाएगा। ये अचार के साथ खाइए, इसको नींबू डाल के हमने मूली मिर्च का अचार बनाया है, इसके साथ आप बनाइए, खाइए। और मून्स किचन में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मूली का पराठा जरूर खाना चाहिए, एक दिन के आड़ में बनाइए, आप खाइए, क्योंकि पाचन में भी बहुत अच्छा होता है। और ठंड भर मूली का सीजन रहता है, तो ताज़ा ताज़ा आप मूली किसके डेली पराठा बनाइए। पेट के लिए भी मूली बहुत अच्छा होता है, आप बनाइए और खाइए। मून्स किचन में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो।